कक्षा आठ एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली है 3.1 चतुर्भुजों को समझना। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, तो आपको ये ध्यान से समझने हैं। सवाल नंबर 3 तक हमने पिछली क्लास में कर लिए थे। तो देखो सवाल नंबर 4 में क्या लिखा है, तालिका की जांच कीजिए, प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर यह तालिका दे रखी है, इस तालिका को हमें समझना है और ये जो नीचे प्रश्न दे रखे हैं ना इनको हल करना है। कैसे, देखो ध्यान देना इधर। सबसे पहले आकृति, अब बताओ ये वाली जो आकृति दे रखी है उसमें कितनी भुजा है, 3। देखो 1 2 3, अगर 3 भुजा है तो ये बेटा क्या है, त्रिभुज है। क्या है, त्रिभुज। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। ठीक है, अब देखो दूसरी आकृति, दूसरी आकृति में कितनी भुजा है, 4। देखो 1 2 3 4, 4 भुजा है, इसका मतलब ये चतुर्भुज है। अब हमें इसको किस में बांटना है, त्रिभुज में। तो देखो यहां से ये एक लाइन बनाई, लाइन बना ली ना, देखो एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया, कितने त्रिभुज हो गए, 2। अब एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। अब दो त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग, दो त्रिभुजों के सभी कोणों का योग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 180 को किससे गुणा कर देंगे, 2 से। तो बताओ कितना आ जाएगा, 0 का तो 0, 8 × 16 हासिल का 1, 2 × 1 = 2 कितना हो गया, 3, 360 हो गया। तो बताओ इस आकृति के सभी कोणों का योग कितना हो गया, 360। या इसको हल करने का एक और तरीका है, सूत्र है। अब देखो सूत्र क्या है बेटा, सूत्र ये n माइनस 2 गुणा 180, n माइनस 2 गुणा 180। यहां पर जो n है ना, n, n का मतलब होती है भुजा, n का मतलब क्या होती है, भुजा। अब देखो इसी सवाल को मैं हल करके बताता हूं आपको, n मतलब इसमें कितनी भुजा है, 3, तो ये 3 माइनस 2 और गुणा में 180। अब देखो 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 1, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा और गुणा में 180। बताओ बेटा 1 को 180 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 180 आएगा ना, क्या आएगा, बराबर में 180 आएगा। तो बताओ इसके तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो इस सूत्र के माध्यम से आप ज्ञात कर सकते हो। जैसे यहां पर देखो ये नीचे वाली स्थिति, 4 माइनस 2 इंटू 180 का मतलब क्या है, देखो 4, देखो यहां पर n, n का मतलब भुजा, कितनी भुजा, 4, माइनस का 2 गुणा में 180। हल करो, देखो 4 में से 2 गया तो 2 गुणा 180, अब 2 को 180 से गुणा किया तो कितना आ गया, 360। आया समझ में, ये वाला सूत्र लगाना है आपको, किसी भी बहुभुज के अंतर कोणों का योग ज्ञात करना है तो n माइनस 2 इंटू 180 का सूत्र आपको लगाना है। अब देखो ये वाली जो आकृति है इसमें कितनी भुजा है बेटा, 5 भुजा, कितनी है, 5, इसका मतलब ये पंचभुज है। क्या ये पंचभुज, अब हमें इसको किसमें बांटना है, त्रिभुजों में। देखो बांटा हुआ है, एक लाइन ये बनाए और एक लाइन ये बनाई, कितने त्रिभुज हो गए, 1 2 3 त्रिभुज हो गए, 3 हो गए ना। तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। अब 3 का ज्ञात करना है तो 180 को किससे गुणा कर देंगे, 3 से, क्योंकि 1 का 180 होता है, तो 3 का कितना होगा, 3 को गुणा कर देंगे। गुणा करो, देखो यहाँ आएगा 0, 3 × 8 = 24 हासिल का 2, 3 × 1 = 3, 3 × 2 कितना हो गया, 5। तो ये हो गया, इनके सभी कोणों का योग होता है 540। या फिर आप सूत्र के माध्यम से कर सकते हो। देखो सूत्र क्या है, n माइनस 2, n का मतलब भुजा, कितनी है, 5, माइनस 2 गुणा 180। हल करो, 5 में से 2 गया तो 3 गुणा 180। अब देखो 3 को 180 से गुणा करो कितना आएगा, 540 आएगा। आगे समझ में, इसी प्रकार देखो ये अगली जो आकृति उसमें कितनी भुजाएं हैं, 6, मतलब ये षटभुज है, षटभुज है, ठीक है ना। अब बेटा इसको भी हमें किसमें बांटना है, त्रिभुजों में। तो देखो एक लाइन एक ये विकर्ण है, विकर्ण कह सकते हो आप इनको, एक ये वाला, एक ये वाला और एक, तो कितने त्रिभुज हो गए, 1 2 3 4 त्रिभुज हो गए, कितने त्रिभुज हो गए, 4। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो 4 त्रिभुजों के सभी कोणों का योग किसको किससे गुणा कर देंगे, 180 को 4 से। तो गुणा करो, देखो 0 का तो 0, 8 × 32 हासिल का 3, 4 × 1 = 4, 4 × 3 हो गया आपके 7, तो ये आ गया 720 आ जाएगा। आप सूत्र से भी इसको हल कर सकते हो। देखो सूत्र क्या है, n माइनस 2, n का मतलब भुजा, कितनी है, 6,
माइनस दो सूत्र का गुणा 180, छह में से दो गए तो चार गुणा 180 बराबर, अब गुणा करो, देखो चार को 180 से गुणा किया तो 720 आ गया। आगे समझ में? अब देखो यार, एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित हो। देखो सबसे पहले ए दे रखा है, बताओ बेटा भुजा कितनी है, भुजा 7 है, मतलब सप्तम भुज है। अब 7 भुजा वाले बहुभुज के कोणों का योग ज्ञात करना है, तो बेटा सूत्र क्या बताया, एन माइनस दो गुणा 180, एन का मतलब भुजा, 7 माइनस दो गुणा 180, हल करो बेटा, 7 में से दो गए तो 5, 7 में दो गए तो 5 गुणा 180 गुणा करो, देखो 0, अब 5 आते 40, हाँ सिरका 4, 5 एकम 5 और 4 कितना हो गया 9, तो आ जाएगा 900 डिग्री ले सकते हो, 900 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि कोण को डिग्री में दर्शाते हैं, ये आ जाएगा। अब देखो बी वाला, बी में भुजा कितनी है, 8 है, भुजा की जगह आप एन भी लिख सकते हो क्योंकि एन बराबर क्या है, भुजा ही है, एन बराबर 8 है, तो बताओ इसके कोणों का योग ज्ञात करना, मतलब क्या ही है, 8 भुजा वाला क्या होता है, अष्टभुज, ठीक है ना, अष्टभुज होता है, तो बताओ बेटा इसके भी कोणों का योग ज्ञात करोगे, सूत्र क्या है, एन माइनस दो गुणा 180, बताओ एन 8 माइनस दो गुणा 180, 8 में से दो गया तो 6 गुणा 180, अब गुणा करो, देखो 0 का तो पहले लिख दो, 6 8 48, हासिल का 4, 6 एकम 6 6 और 4 10, तो यह आ जाएगा 1080 डिग्री, ठीक है ना, ये जो ऊपर है ना इनके भी डिग्री लगा लेना आप, ठीक है ना, डिग्री है क्योंकि कोण हमेशा किस में आएंगे, डिग्री में आएंगे, ठीक है बेटा, ऐसा करना, आगे समझ में। अब देखो सी वाला, अब देखो यहाँ पर भुजा कितनी है, एन बराबर 10 है, भुजा कितनी है, 10 है, सूत्र क्या बताओ, एन माइनस दो गुणा 180, एन मतलब भुजा कितनी, ये रहा 10 माइनस दो गुणा 180, 10 में से दो गया 8 गुणा 180 गुणा करो, देखो 0 का तो 0, 8 8 64 है, हासिल का 6, 8 एकम 8, 8 और 6 कितना हो गया 14, ये आएगा 1440 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें डी में भुजा क्या दे रखी है, एन बराबर एन ही दे रखी है, भुजा ही दे रखी है ना, एन बराबर एन ही है, भुजा ही है, ठीक है ना, तो बताओ इसके लिए क्या हो जाएगा सूत्र, एन माइनस दो गुणा 180, अब देखो एन की जगह क्या लिखोगे, भुजा एन ही है तो एन ही लिखेंगे, तो एन माइनस दो गुणा 180, अब इसको हल कर सकते हो क्या, इसको हल कर सकते हैं क्या, देखो यार एन माइनस दो घटाने हल नहीं कर सकते, तो ये उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप लोग इसको हल कर सकते हो, आया समझ में, सिंपल है। किसी भी बहुभुज के अंतर कोणों का योग अगर आपको ज्ञात करना है तो एन माइनस दो इंटू 180 वाला सूत्र लगाना है, एन की जगह आपको भुजा का मान लिखना है, भुजा चाहे कितनी भी दे दे। नंबर 5, सम बहुभुज क्या है, एक सम बहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं 4 भुजाएं 6 भुजाएं हो, ठीक है ना, देखो सबसे पहले सम बहुभुज नाम से पता चल रहा है, देखो सम मतलब समान, बहुभुज तो बता बेटा सम बहुभुज किसे कहेंगे, सम मतलब समान, ऐसा बहुभुज जिसके सभी कोण व सभी भुजाएं बराबर हो वो क्या कहलाएगा, सम बहुभुज कहलाएगा। जैसे मान लो कोई सी भी आकृति है, ये वाली जैसे मैंने आकृति बनाई, अब इसमें ये सभी भुजाएं बराबर हो और सभी कोण भी क्या हो, बराबर हो, वो क्या कहलाएगा, सम बहुभुज कहलाएगा, ठीक है ना, तो क्या लिखोगे, जिसमें सभी भुजाएं तथा सभी कोण क्या हो, बराबर हो, क्या कहलाता है, सम बहुभुज कहलाता है। आगे समझ में, जिसकी सभी भुजाएं सभी कोण बराबर हो क्या कहलाएगा, सम बहुभुज कहलाएगा। अब देखो एक सम बहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हो, ठीक है, देखो नंबर 1 कितनी भुजाएं हो, 3 भुजाएं, तो बताओ बेटा 3 भुजाओं से क्या बनता है, त्रिभुज बनता है, और ये 3 भुजाओं से क्या बनता है, त्रिभुज। अब ये तीनों बराबर हो, ये वाली और ये वाली,
तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर हैं, इसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, जिसकी सभी भुजाएं समान हो क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। आया समझ में? अब देखो दूसरा क्या लिखा है, चार भुजाएं। अब देखो चार भुजाओं वाला जो है वो क्या होगा, चार भुजाओं में आपके वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ग। देखो वर्ग में क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण भी बराबर है, 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और सभी कोण बराबर हो वो क्या कहलाता है? समबहुभुज कहलाता है। और जिसमें चार भुजाएं हो वो क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। या आप समचतुर्भुज भी कह सकते हो, समचतुर्भुज हो जाएगा, समचतुर्भुज। इसमें आप सम चतुर्भुज, क्योंकि जब मैंने बेसिक पढ़ा है तब आपने पढ़ा होगा सम मतलब समान, चतुर मतलब चारों, भुज मतलब भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं सभी कोण बराबर हो वो क्या कहलाता है? सम चतुर्भुज कहलाता है। तो दोनों में से कोई सा भी आप नाम लिख सकते हो। अब देखो तीसरा, तीसरा है आपके छह भुजाएं। अब बताओ बेटा छह भुजाएं किस बहुभुज में होती है? सम षटभुज। देखो छह भुजाएं वाली जो आकृति है उसे क्या कहते हैं? सम षटभुज कहते हैं ना। देखो एक दो तीन चार पांच छह सभी भुजाएं और इसके सभी कोण अगर बराबर हो जाएंगे ये हो जाएगा सम षटभुज। क्या हो जाएगा? सम षटभुज हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका पांचवा सवाल। आगे समझ में? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो या तो वर्ग कहलाता है या समचतुर्भुज कहलाता है, और जिसकी छह भुजाएं बराबर हो वो समषटभुज कहलाता है। आगे समझ में? तो इस प्रकार से आपको ये सवाल करने हैं। उतर।